दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। पांच आदतें जो आपको सफल बना सकती हैं। दोस्तों जब कभी भी हम किसी सफल इंसान को देखते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है कि काश हम भी इतने सफल हो पाते कि दुनिया हमारे कदमों में होती। लेकिन इतना सोचने के बाद हम ये सोच लेते हैं कि इनकी तो किस्मत अच्छी है, ये इतने सफल हो गए, हमारे सामने तो इतनी सारी मुश्किलें हैं जो हमें सफल होने ही नहीं देती। तो दोस्तों अगर आप भी इसी तरह की सोच रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको उन पांच आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ सफल बनने की पांच सबसे अहम बातों पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सफल बनने की सबसे पहली चीज ये है कि हर सफल इंसान लगातार अभ्यास करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी में कहावत है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि कोई भी परफेक्ट होकर पैदा नहीं होता बल्कि उसे परफेक्ट बनना पड़ता है, और परफेक्ट बनने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि एक सफल इंसान और एक असफल इंसान में सबसे बड़ा अंतर यही है कि सफल इंसान नाकामियों के बाद भी लगातार मेहनत करता रहता है, और एक और असफल इंसान हल्की सी नाकामी देखने पर मेहनत करना छोड़ देता है और दूसरी राहों पर निकल जाता है। आपको जिस किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है आपको लगातार उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, बिना रुके बिना थके आपको हमेशा आगे बढ़ने की सोचनी है। फिर भले ही पूरी दुनिया आपके पीछे से सीखने में क्यों ना लगी रहे, लेकिन अगर आपने निश्चय कर लिया कि आपको आगे बढ़ना है तो यकीन मानिए ब्रह्मांड का कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपको रोक सके। इसलिए सबसे पहली बात ये गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको सफल बनना है तो लगातार अभ्यास करना होगा और हर समय नई चीज सीखनी होगी ताकि आप जमाने के साथ कदम से कदम बढ़ा सके। अब आते हैं सफल लोगों की दूसरी सबसे अहम चीज पर, और वो ये है कि हर सफल व्यक्ति वादे का हमेशा पक्का रहता है, फिर वो वादा चाहे दूसरों से किया गया हो या फिर खुद से। क्योंकि अक्सर हम खुद से कई सारी बातें कह देते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन कर कुछ नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है कि हमने अपने आप से ही तो कहा था, कौन सा हम अपने सामने शर्मिंदा होंगे। लेकिन ये बात याद रखिए, जो इंसान खुद का नहीं हो सका वो दूसरों का क्या होगा। इसलिए सबसे पहले अपने आप से किए गए वादों को निभाना जरूरी है, और जिस दिन से आपने अपने आप से करने वाले वादों को निभा दिया उस दिन आप सफल बनने की राह पर चल पड़ेंगे। हालांकि अपने वादों का पक्का होना इस बात को जाहिर नहीं करता है कि आप हर चीज के लिए आप हाँ ही बोलेंगे। इसलिए सफल इंसान को ना बोलना भी आना चाहिए, वरना दूसरे आपकी अच्छाई का फायदा उठाने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप चीजों को देखिए, परखिए और समझिए कि कौन सी चीज किसके लिए सही है और कौन सी चीज किसके लिए गलत, तब जाकर किसी से वादा कीजिए और फिर उसे निभाने के लिए डट कर खड़े रहिए। अब अगर तीसरी सबसे अहम आदत की बात की जाए तो हर सफल इंसान पैसे स्पेंड करने की जगह उसे इन्वेस्ट करता है, यानी कि अपने पैसे को खर्च करने से ज्यादा फोकस वो पैसों को निवेश करता है ताकि आने वाले समय में उन्हीं पैसों से लाभ कमाया जा सके। क्योंकि अधिकतर लोग पैसा आते ही हवा में उड़ाने लगते हैं और ये समझ ही नहीं पाते कि इमोशनल तौर पर वर्तमान समय में रहना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर आपको भविष्य की भी सोचनी चाहिए। अब भविष्य के बारे में इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि हर समय ख्याली पुलाव ही बन रहे हैं। आपको अपने आज पर फोकस करके उसे बेहतर तो बनाना ही है, लेकिन अपने कल का भी ख्याल आपको ही रखना है। इसलिए पैसों को जबरदस्ती बेफिजूल की चीजों में खर्च करने के बजाय उन्हें ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कीजिए जहां से आने वाले समय में आपको और ज्यादा फायदा हो। क्योंकि सफल इंसान वो नहीं है जो आज सफल है, बल्कि सफल इंसान वो है जिसने अपने आने वाले समय को और भी बेहतर बनाकर रखा है। इसलिए बेशक आप आज मेहनत कीजिए और अच्छी जिंदगी व्यतीत कीजिए, लेकिन अपने भविष्य के बारे में सोचकर थोड़ा बहुत निवेश करना बहुत जरूरी है। अब अगर हम सफल लोगों की चौथी सबसे बढ़िया आदत के बारे में बताएं तो सफल लोग सकारात्मक वातावरण में रहते हैं, यानी कि वो हमेशा उन लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें उनकी सफलता की ओर ले जाए, ना कि उन लोगों के साथ जो हमेशा उन्हें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर उन्हें राहों से भटका दे। जैसे अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि इसमें बताई गई कोई ना कोई बात आपको अच्छी लगती है,
तभी आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और यही चीज है आपकी जिंदगी में बदलाव लाने का कारण। लेकिन अगर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करती हैं, तो भाई साहब इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाइए कि जब तक आप उन चीजों से दूर नहीं जाएंगे, तब तक आप और सफलता के बीच का जो दायरा है वो कम नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने वातावरण को सकारात्मक रखिए और सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहिए जो खुद को आगे बढ़ाएं और आपको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। अब बात करते हैं पांचवीं और सबसे अहम सफल लोगों की आदत पर। अगर आपको सफल बनना है तो आपको इस आदत को अपने अंदर डालना ही पड़ेगा और वो है हर बार नई चीज सीखने की आदत। उदाहरण के तौर पर आप मौजूदा हालातों को ले लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते लोगों को ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ रही है। ऐसे में हमारे देश में कई सारे ऐसे टीचर हैं जो अपने सब्जेक्ट के बारे में काफी गहरा ज्ञान रखते हैं, लेकिन जब बात टेक्नोलॉजी की आती है तो उन्हें इसे चलाना अच्छे से नहीं आता। आपने भी कई सारे ऐसे टीचर्स को देखा होगा जो मोबाइल तक को अच्छे से चला नहीं पाते। ऐसे में जब अचानक से लॉकडाउन हो गया तो ऑनलाइन क्लास की घोषणा हुई। इस तरह के टीचर्स के लिए काफी मुश्किल हो गई, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन क्लास किस तरह अटेंड करनी है, कैसे बच्चों के असाइनमेंट लेने हैं, कैसे बच्चों को रिमार्क देने हैं, ये सब पहले से नहीं आता था। लेकिन जो टीचर जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, उनके लिए ये चीज आसान हो गई और उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी। यही चीज आपको भी अपने साथ करनी है। आप जिस किसी भी फील्ड में है, उस फील्ड की आपको अच्छी खासी जानकारी रखनी है और जमाने के साथ हर समय नया सीखना है, ताकि अगर सब कुछ बदल भी जाए तो आपका काम और रुतबा ना बदले। तो दोस्तों, ये थी सफल होने की पांच ऐसी आदतें जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो गारंटेड आप सफल हो जाएंगे। बाकी आपका हमारी मजेदार वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।